नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नोटों वाले या सिक्के वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में आता है। क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा वो देखो। एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये के कुछ नोट 2, 3, 4 के अनुपात में, यदि थैले में कुल 360 रुपये है तो उनमें 20 रुपये वाले कितने नोट हैं। कंडीशन ये दी है, एक थैला है, एक बैग है, उसमें 20 रुपये के, 10 रुपये के और 5 रुपये के नोट हैं। तीन ही टाइप के नोट हैं, किस अनुपात में, 2, 3, 4 के अनुपात में, और उनसे टोटल 360 रुपये बने हैं। तो आपको ये बताना है कि 20 रुपये वाले कितने नोट हैं, या 5 रुपये वाले कितने नोट हैं, या 10 रुपये वाले कितने नोट हैं। क्वेश्चन में आपसे 20 रुपये वाले पूछे हैं, बट आप तीनों ही निकाल सकते हो। कैसे सोल्व करोगे, पहले तो जो क्वेश्चन में कंडीशन है वो देख लो। आपको 20 रुपये के नोट है, एक 10 रुपये का नोट है और एक 5 रुपये के नोट। अनुपात किसका दे रखा है, नोटों की संख्या का अनुपात दे रखा है। कह रहा है ना, कुछ नोट 2, 3, 4 के अनुपात में है, मतलब इनका नंबर है, संख्या का अनुपात है, नोटों की संख्या, नोटों की संख्या। दो अनुपात 3:4 के अनुपात में ये नोटों की संख्या है। अब इससे आपको क्या करना है, रुपए बनाने हैं। रुपए कैसे बनाओगे, रुपए क्यों बनाओगे वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि टोटल आपको 360 रुपये दे रखे हैं तो आपको रुपए बनाने पड़ेंगे। और रुपए कैसे बनाओगे, तो रुपए देखो कैसे बनाओगे। आपके बैग है, एक बैग है उसमें 20 रुपये के दो नोट है, एक बैग है उसमें 20 रुपये के दो नोट है, तो कितने रुपये हैं आप बोलोगे सर 40 रुपये हैं। 20 रुपये के दो नोट है तो 20, 20, 40। बैग में 10 रुपये के तीन नोट है, 10 रुपये के तीन नोट है तो कितने रुपये होंगे, 30 रुपये होंगे। 5 रुपये के चार नोट है तो कितने रुपये होंगे, 20 रुपये होंगे। ये टोटल रुपये हैं, टोटल बैग में ये रुपये हैं, 40, 30, 70, 20, 90 रुपये हैं बैग में। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल बैग में कितने हैं, 360 है। एक का मान निकालो, एक का मान निकालोगे 360 में मैं क्या करूँगा, 90 का भाग दे दूंगा, 0 से 0 कट गया, 36 में 9 का भाग तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। एक का मान आया 4, ये आराम से समझ में आ जाएगा। 3-4 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, आपसे पूछा 20 रुपये वाले नोट कितने नोट हैं, तो नोटों की संख्या पे जाना है। 20 रुपये वाले कितने नोट है, 2। जब एक का मान 4 है तो 2 का मान कितना आ जाएगा, 8। जब एक का मान 4 आया, जब एक का मान 4 आ गया तो 2 का मान कितना आ जाएगा, 8। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन, ये आपका आंसर होगा। 4 मत कर देना, आपसे पूछ लेता 10 रुपये वालों नोटों की संख्या कितनी है, तो 10 रुपये के कितने नोट है, देखो यहाँ पे 3। जब एक का मान 4 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 12। तो 20 रुपये वाले, सॉरी 10 रुपये वाले नोट कितने आ जाएंगे, 12। आपसे पूछ लेता 5 रुपये वाले नोट कितने हैं, 5 रुपये वाले नोट देखो यहाँ पे कितना है, 4। जब एक का मान 4 है तो 4 का कितना होगा, 4 × 4 कितना आंसर आ जाएगा, 16। आगे और क्वेश्चन में सेम ये पैटर्न है, कोई सा ही आप क्वेश्चन करो, ऐसा ही पैटर्न आपको यूज करना है, सभी क्वेश्चन सोल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देखो किसी बक्से में 180 रुपये हैं, टोटल 180 रुपये हैं। कंडीशन क्या है, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसों के रूप में है। जो भी सिक्के रहेंगे 1 रुपये का रहेगा, 50 पैसे का रहेगा और 25 पैसे का रहेगा, और किस अनुपात में रहेगा, 2, 3, 4 के अनुपात में रहेगा। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बतानी है आपको। आपसे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या भी पूछ सकता है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या भी पूछ सकता है। कैसे सोल्व करोगे, जो कंडीशन है वो लिख दो। 1 रुपये का सिक्का है, एक 50 पैसे का है और एक 25 पैसे का है, ठीक है। सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या दे रखा है, देखो सिक्के आपको दे रखे हैं 2:3:4 के अनुपात में। मतलब क्या है कि उस बक्से में 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, सॉरी 1 रुपये का कितना सिक्का है, 2, 50 पैसे के 3 है, 25 पैसे के 4 है, ये अनुपात में। यहाँ से आप रुपये का अनुपात निकालो, रुपये निकालो, क्योंकि आपको टोटल रुपये दे रखे हैं। तो रुपये कैसे निकालोगे, 1 रुपये के आपके कितने सिक्के हैं, 2। आपके पास प्रैक्टिकली आप सोचना, प्रैक्टिकली आप करके देख लेना कि आपके पास 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो क्या 2 रुपये होंगे क्या, बिल्कुल। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, 50 50 पैसे के आपके पास 3 सिक्के हैं तो आपके पास क्या 1.5 रुपया हो जाएगा क्या, बिल्कुल सिंपल सी चीज मैं बता रहा हूँ आपको। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो क्या 1 रुपया हो जाएगा क्या, होगा या नहीं होगा। टोटल आपके कितने रुपये हो गए, ये बक्से में टोटल रुपये 2 और 1, 3, 3 और 1.5 कितना हो गया, 4.5 रुपये हो गया टोटल। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल आपके पास तो 180 है, मतलब 4.5 का मान कितना है, 180।
एक का मान निकालो, 4.5 बट्टे में चला जाएगा, 180/4.5। मैं पॉइंट हटाऊंगा, किसी भी संख्या का पॉइंट हटाओगे तो अपोजिट साइड उल्टी साइड जीरो शिफ्ट होता है। जितनी भी संख्या पॉइंट छोड़ के संख्या है, कितनी संख्या है पॉइंट छोड़ के, एक संख्या, तो ऊपर एक जीरो लगेगा अगर पॉइंट हटाता हूँ। यहाँ पे एक जीरो लग गया। अब मैं इसको 9 के पहाड़े से काटता हूँ, 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 45 और 5 × 2 = 10। 20 2 से गुणा हो जाएगा तो एक का मान कितना आ जाएगा, 40। आराम से समझना, एक का मान 40 आ गया। आपसे पूछा 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, सिक्कों पे जाना बराबर में देखना, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 3। एक का मान जब 40 है, एक का मान 40 है तो 3 का कितना होगा, 120। ये आपका आंसर है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन। आपसे ये पूछ लेता 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपए के कितने सिक्के दिख रहे हैं यहाँ पे, 2। जब एक का मान 40 है, एक का मान 40 है तो 2 का कितना होगा, 80। आपसे पूछ लेता 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, 4। जब एक का मान 40 है तो 4 का कितना होगा, 160। तो आराम से चीजें समझ में आएगी, 100% समझ में आएगी। एक थैले में 1 रुपए, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5, 6, 8 के अनुपात में भरे हैं। यदि थैले में इन सिक्कों की कुल धनराशि, कुल धनराशि मतलब कुल रुपए 210 रुपए हो, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ये आपको बतानी। अब ऐसे पर्टिकुलर नहीं पूछा आपसे कि 1 रुपए का बताओ, 50 पैसे का बताओ, 25 पैसे के बताओ। आपसे पूछा तीनों टाइप के सिक्के बता दो मेरे को, तो वही है 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक, सिक्कों की संख्या इधर आ जाएगी, किस अनुपात में है, 5:6:8। टोटल रुपए दे रखे हैं तो रुपए का अनुपात निकालो, रुपए का अनुपात। अब आपके पास 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5। टोटल कितने रुपए होंगे, आप बोलोगे सर 5 रुपए। देखो प्रैक्टिकली करके देख लेना, 50 पैसे के आपके पास 6 सिक्के हैं, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, टेबल पे रखे हैं 50 पैसे के 6 सिक्के, तो कितने रुपए बनेंगे। आप बोलोगे सर 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो मेरे पास 3 रुपए बनेंगे। 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, 25 पैसे के जब 4 सिक्के हो तो 1 रुपया बनता है, तो 8 सिक्कों से कितना बनेगा, 2 रुपया। तो टोटल थैले में ये रुपए हैं आपके पास कितने, 5, 3, 8 और 2 कितना, 10 रुपए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास तो भाई साहब 210 है, एक का मान निकालो, 210/10, एक का मान कितना आ गया, 21। आपको प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है, मतलब 1 रुपए की भी बतानी है, 50 पैसे की भी बतानी है, 25 पैसे की भी बतानी है। देखो मैं आंसर निकाल लूँ, 1 रुपए के कितने हैं, 5, तो 5 का मान निकालना है। जब एक का मान 21 है, जब एक का मान 21 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 21 × 5 = 105, 1 रुपए का सिक्का आ गया। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 6, जब एक का मान 21 है, एक का मान 21 है तो 6 का मान कितना आ जाएगा, 126। ठीक है, 25 पैसे के कितने हैं, 8, जब एक का मान 21 है, जब एक का मान 21 है तो 8 का मान कितना आ जाएगा, 168। तो देखो ये तो 1 रुपए का सिक्का, ये 50 पैसे का सिक्का, ये 25 पैसे का, 1 रुपए का है 105, 50 पैसे का 126, 25 पैसे का 168। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है वो आप लगा दो, ए ऑप्शन। आराम से समझ में आया। अब एक क्वेश्चन और लेता हूँ, देखो इस क्वेश्चन को, यदि 378 सिक्के 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है तथा इनका मूल्य का अनुपात 13, 11, 7 के अनुपात में, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी। अब इस क्वेश्चन में अंतर पता है क्या है, इस पर टोटल मान लो कोई भी बैग है या बक्सा है, उसमें रुपये नहीं दिए, इसने बता दिया कि टोटल उसमें 378 सिक्के पड़े हैं, टोटल 378 सिक्के पड़े हैं, तो आपको बताना 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 378 में से 50 पैसे के कितने हैं, या आपसे पूछ सकता था 1 रुपए के कितने हैं या 25 पैसे के कितने हैं। और इस पर सिक्कों का अनुपात नहीं दिया, मूल्य का अनुपात, रुपए का अनुपात दिया है, तो अपन क्या करेंगे, रुपए के अनुपात से सिक्कों का अनुपात निकाल लेंगे और सिक्कों का टोटल करके इसके बराबर रख देंगे और एक का मान निकाल के जिसका भी पूछेगा उससे गुणा करा देंगे। कैसे, वो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे।
आपको दे रखा है रुपए का अनुपात, मूल्य का मतलब रुपए का अनुपात है, 13, 11 और 7। अब निकालो सिक्कों का अनुपात, रुपए का दे दिया तो सिक्के बचे, सिक्कों का अनुपात निकलेगा की संख्या, सिक्कों की संख्या निकली। अब सोचो आपके पास 13 रुपए हैं, एक एक रुपए के सिक्के 13 रुपए टोटल है, तो कितने सिक्के होंगे 1 रुपए के, 13 ही सिक्के होंगे। मैं आपको पूछता हूं आपके पास टोटल 13 रुपए हैं तो एक एक रुपए के कितने सिक्के बनेंगे 13। आपके पास 11 रुपए हैं तो 50 पैसे के कितने सिक्के बना सकते हो, क्योंकि 50 पैसे के बनाने हैं। 11 रुपए से आप बोलोगे साहब 11 रुपए से बनेंगे, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तो 11 रुपए में होंगे 22 सिक्के। ठीक है, आपके पास 7 रुपए हैं, आपके पास टोटल 7 रुपए हैं तो 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे उसमें से 7 रुपए में। आप बोलोगे साहब 1 रुपए में बनते हैं 4 सिक्के तो 7 रुपए में बन जाएंगे 28 सिक्के। ये प्रैक्टिस से सब पॉसिबल हो जाएगा। टोटल सिक्के कितने हो गए आपके पास, ये टोटल सिक्के हो गए 28, 22 और 13। 28, 22 कितना हो गया, 50, 50, 13, 63 सिक्के हो गए टोटल। जबकि क्वेश्चन कह रहा है टोटल सिक्के कितने हैं आपके पास, 378। एक का मान निकालो, 378 के बट्टे में चला जाएगा 63। ठीक है, 6 के पहाड़े से जाएगा नहीं, 9 के पहाड़े से काटो। देखो 9 चौक 36, 5 गया 1, 9 दूनी 18, 9 7 63, फिर 7 का 42 में 7 का भाग जा रहा है ना 6 बार, मतलब एक का मान कितना आ गया 6। आपसे पूछा क्या है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 22। यही तो है, ये मत कर देना, ये तो रुपये का अनुपात है। 1 रुपये 50 पैसे के जो सिक्के हैं ना वो कितने हैं 22, एक का मान 6 है, एक का मान 6 तो 22 का मान क्या 22 × 6 होगा क्या, ऊपर लिख देता हूँ 22 का मान क्या 22 × 6 होगा क्या, 22 को 6 से गुणा करोगे तो 132 आएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन। ठीक है, आपसे कोई सा भी पूछ लेता, मान लो पूछता 1 रुपए का तो 22 को आपको 6 को किससे गुणा कराते, आप 13 से कराते। आपसे पूछ लेता 25 पैसे के कितने सिक्के हैं तो 28 को आप किससे गुणा कराते, 6 से गुणा कराते। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको ये चीज़ें समझा।